चलिए क्लास टेंथ की प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्क्रीन सभी को आई होप डिस्प्ले हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? मैंने स्क्रीन डिस्प्ले कर दी है क्या? नहीं करी है, स्क्रीन अब डिस्प्ले हो जाएगी। चलिए सो वेरी फास्ट, अभी बहुत तेज़ी के साथ हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे। हम एक एक चैप्टर्स, जितने भी हमारे चैप्टर आ रहे हैं, अगर आप लोग का साथ बना रहेगा तो हम लोग जल्दी जल्दी से सारे चैप्टर्स की रिवीजन जल्दी जल्दी से करेंगे। ओके हाँ, मैंने फाइल सबको भेज दी है ग्रुप में, डाउनलोड कर लीजिए फाइल। अरविंद कुमार दुबे, मेरी आवाज आ रही क्लियर आपको? अरविंद कुमार दुबे माइक ओपन करके बात कीजिए। वंशराज, जैद, यस सर, ओके ठीक है। जैद मैं आपसे रिप्लाई मांगूंगा बीच बीच में, तो आप रिप्लाई कीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन उठाते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन हम उठा रहे हैं, ये हम करवा रहे हैं आप लोग को सैंपल पेपर मैथमेटिक्स के, जो आपके बोर्ड्स ने इशू किए हैं वो सैंपल पेपर हम करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो इसमें कंसेप्ट क्या लगा हुआ है, सबसे पहले आप ये जान लें कि पी ए दिया है, पी बी आपको गिवन है, एंड पी बी कंडीशनल ए 0.4 है। तो आपको बोला गया है पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, पी ए अपॉन बी क्या होगा, और पी ए यूनियन बी क्या होगा। ठीक है, तो तीन चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यदि मैं फॉर्मूलेज की बात करूँ, तो जो फॉर्मूले यहाँ पर इस्तेमाल होंगे वो आपको बनने चाहिए। तो फॉर्मूले नोट कर लीजिए, यहाँ पर जो फॉर्मूले आपके पास लगेंगे वो क्या लगेंगे, सबसे पहले पी बी कंडीशनल ए, बी अपॉन ए, ए के होने पर बी के होने की प्रायिकता क्या होती है, पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में पी ए, जिसको आप और ज़्यादा क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। तो ये फॉर्मूला होता है पी बी बाई ए का। ठीक है, पी बी बाई ए के फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं आप पी ए अपॉन बी का यूज़ कर सकते हैं बच्चों। तो पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। तो हमारे पास सॉरी पी बी नीचे पी बी, तो कुल मिला के हमें पी ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, तो हमें सब कुछ फाइंड कर सकते हैं हम। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन बी, पी बी बाई ए का फॉर्मूला पुट करके पी ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, देन इसके बाद पी ए अपॉन बी आ जाएगा, एंड देन पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। कहिए कोई डाउट इस क्वेश्चन में, क्लियर है एकदम? जैद योर ओपिनियन प्लीज, क्लियर है? यस सर। ओके कोई डाउट यहाँ पे? नो सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए यदि 2PA इज इक्वल्स टू पी बी इज इक्वल टू 5/13। बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों, यू कैन सपोज इट अ गुड क्वेश्चन। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखिए, 2PA PB मतलब आपको ये धोखे में रख रहा है कि PA की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, यहाँ से बहुत आराम से PA की वैल्यू निकाल सकते हैं, और PA यूनियन बी निकालना है। तो PA कितना आएगा, 2PA इज इक्वल टू PB है, सो PA इज इक्वल्स टू आएगा हाफ ऑफ 5/13। ओके मतलब कितना हो गया, 5/26 ये आ गई पी ए की वैल्यू। तो पी ए की वैल्यू है आपके पास, पी बी की वैल्यू है, ये देखिए पी ए की वैल्यू आ गई, पी बी की वैल्यू ऑलरेडी है, एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए अपॉन बी इस तरीके से आ जाएगा। नाउ ये पी ए इंटरसेक्शन बी आ गया, देन इसके बाद ए यूनियन बी निकालना है, तो आप इस तरीके से पी ए यूनियन बी भी काउंट कर सकते हैं। ओके चलो बताओ क्या दिक्कत है इसमें, किसी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम बन जाएगा ना ये? क्वेश्चन नंबर 6 बताइए बन जाएगा? जैद आई एम आस्किंग टू यू बेटा, बताओ जल्दी से, क्लियर है कि नहीं क्लियर? यस मोहम्मद असलम, आप माइक ओपन करके बोलिए, ये क्वेश्चन आपको बनेगा कि नहीं बनेगा? आप रिप्लाई नहीं करोगे तो मेरे को कैसे पता चलेगा? जैद आप माइक ओपन करके बात नहीं कर। अरविंद कुमार दुबे इज इट क्लियर? अरविंद कुमार दुबे क्लियर है ये क्वेश्चन? ओके यस सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक पासे को दो बार उछाला गया है और प्रकट हुई संख्याओं का 6 योग पाया गया है। संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने के सब प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ओके देखिए क्या कह रहा है कि
एक पासे को दो बार उछाला गया है और प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया है। तो सबसे पहले देखिए, पासे को जब आप दो बार उछालोगे तो टोटल 36 आउटकम बनेंगे, और 36 आउटकम में दो प्रायिकताएं आपके पास हो रही हैं। एक है आपके पास में संख्याओं का योग 6 पाया गया है। तो संख्याओं के योग 6 पाने के संगत कितने बिंदु बनेंगे? संख्याओं का योग 6, 1, 5, 5, 1, 3, 3, 4, 4, 4, 2, 2, 4, तो मतलब संख्याओं के योग 6 पाने के संगत जो हैं 5 बिंदु बनेंगे। और दूसरा है, संख्या 4 एक न्यूनतम बार आ रही है, तो संख्या 4 कम से कम एक बार आ रही है, तो 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 5, 4, 6, 4, ये बनेंगे ए के केसेस बनेंगे, ठीक है ना। अब हमें निकालनी प्रायिकता, टोटल 36 केस हो गए हैं। अब हमें क्या कह रहा है, हमें दो प्रायिकताएं तो अलग अलग आ चुकी हैं अपने पास, 11/36 और 5/36, दोनों अलग अलग प्रायिकताएं हैं। अब इनका कहना है कि बी घटना होने के ऊपर ए घटना, मतलब यदि योग 6 आ चुका है तो आपका एक अंक 4 होने की प्रायिकता क्या होगी। मतलब क्या पूछा जा रहा है, बेस में आधार में है, योग 6 आ चुका है तो आपको बोल रहा है न्यूनतम एक अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, एक अंक 4 के। तो भैया देखिए कैसे करेंगे, इसमें फॉर्मूला होता है एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस, एन बी अपॉन एन एस, एन एस से एन एस कैंसिल हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी के केसेस निकालने पड़ेंगे, ए और बी के कॉमन केसेस देख लो। तो ए और बी के कॉमन केसेस योग 6, 4, 2 और 2, 4, ये केसेस आ रहा है। तो कॉमन केसेस हो गए 4, 2, 2, 6, 2, 4, तो ऊपर हो जाएंगे दो केसेस, और नीचे बी के कॉमन केसेस 5, मतलब प्रायिकता हो गई 2/5। कहो बच्चों, क्लियर है कि नहीं है? यस सर। हाँ यस सर, कहीं पर भी दिक्कत है प्लीज़ बात करिए, बताऊंगा मैं, एक्सप्लेन करूंगा। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 7 जो अच्छे से पढ़िएगा। देखिए इसमें कह रहा, पहले योग 6 पाया गया, मतलब पहले ही 6 योग आ चुका है, तो आधार में 6 योग है और उसके बाद 4 न्यूनतम एक बार प्रकट हो रहा है, तो आ गई प्रायिकता। अगला क्वेश्चन 8, एक पासे को दो बार उछाला गया, पासे में प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त है, ओके, और को ई से तथा पासे पर प्राप्त संख्या सम है को एफ से निरूपित किया गया है, तो क्या ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं? बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर दो घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो उनका केस लिख लो, अगर घटनाएं स्वतंत्र हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होगा पी ए इंटू पी बी। ये देखिए, अगर दो घटनाएं स्वतंत्र हैं तो इनका जो शर्त होती है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। अब इस क्वेश्चन को करेंगे इस शर्त के बाद। एक पासे को दो बार उछाला गया, मतलब टोटल केस कितने होंगे, 36 होंगे भाई। एक पासे को दो बार उछाला गया है अच्छा 36 क्यों नहीं ले रहा भाई, 6 क्यों ले रहा है इसमें, ये तो अच्छा अलग अलग, ठीक है। एक पासे को दो बार उछाला गया है, घटना गया घटना पासे पर, एक पासे को दो बार उछाला गया, घटना पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त है, 3 का अपवर्त है, तो पहली घटना जो है वो 3 का अपवर्त है और दूसरी जो घटना है उसे ई से निरूपित किया गया, मतलब एक प्रायिकता ई ले लो, तो ई जो बनेगा वो 3 का अपवर्त बनेगा, मतलब 3 के गुणक 3 और 6, तो कितने हो गए 2 केस, तो ई की प्रायिकता कितनी हो गई 1/3। और दूसरी बात करते हैं हम, दूसरी बात यहां पे है 3 का अपवर्त है और पासे पर प्राप्त संख्या सम है, तो सम के लिए 2, 4, 6 केस होते हैं, तो एफ के लिए टोटल कितने केस हो गए, 3 केस हो गए हैं, तो यदि प्रोबेबिलिटी निकाली जाए तो आएगी 1/2, तो प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी 1/2, ठीक है। अब एन ई इंटरसेक्शन एफ, यदि हम दोनों घटनाओं की बात करें कि पासा 3 का अपवर्त भी हो और सम भी हो, तो 3 का अपवर्त और सम होने के लिए कितने केस हैं, केवल 6 ही होता है, तो संगत परिणाम कितने बनेंगे 1, तो प्रायिकता बनेगी 1/6। अब चेक करते हैं कि क्या 1/3 और 1/2 का गुणन क्या इसके 1 के बराबर होता है, तो देखा हमने जो 1 के बराबर नहीं है, इसका मतलब पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी इंटरसेक्शन एफ, एक मिनट
हाँ हो रहा है, बिल्कुल सही, इंटरेस्ट, यस हो रहा है, इसका मतलब ये कैसी घटनाएं हैं, ये स्वतंत्र घटना है, यहाँ एस का डिवाइड भी तो करना है ना, तो 1/6 इस तरीके से ये स्वतंत्र घटना है। एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं कि यहाँ पर दो पासे लिखा गया है, एक पासे को दो बार उछाला गया है, नहीं ऐसा नहीं है, ये पासे को एक बार ही उछालने वाला केस है, दो बार नहीं उछाला गया, तो यहाँ पर क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, एक पासे को एक बार ही उछाला गया है और उसमें मतलब संख्या जो है, दो घटनाएं आप डिजाइन कर रहे हो, एक घटना ये है कि प्राप्त संख्या 3 का पूर्त है और एक घटना ये है कि प्राप्त संख्या सम है, तो क्या ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं? हाँ दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई जो है बराबर आ रहा है, पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी ई इंटू पी एफ। बोलो बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हेलो, यस सर, हाँ यस सर। तो दोनों, तो ये भी आपको ये कंडीशन लगानी पड़ेगी बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दर्शाइए यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ए या बी में से न्यूनतम ए के होने की प्रायिकता, पी ए डैश इंटू पी बी डैश। ओके, आपको बताना है कि यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता जो है 1 - PA इंटू पी बी डैश। बेटा माइक ऑफ कर लो, आपकी वॉइस आ रही थोड़ी सी, जब मैं पूछूंगा तब आपको बताना है। कम से कम एक के होने की प्रायिकता, यार देखो कम से कम एक के होने की प्रायिकता आपको बताना है 1 - PA इंटू 1 - PB है, 1 - PA इंटू 1 - PB, कम से कम एक के होने की प्रायिकता, कम से कम एक का होना क्या कहलाता है? मतलब पहले डायग्राम से समझो, किसी चीज का कम से कम एक का होना मतलब ये कहलाएगा ए यूनियन बी, चाहे ए हो जाए चाहे बी हो जाए या दोनों हो जाए। तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए बच्चों, कहीं भी अगर ये वर्ड आता है कम से कम एक का होना, तो ये आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, ए यूनियन बी। अगर कम से कम एक के होने की बात की जा रही है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा ए यूनियन बी। चलिए देखते हैं, तो पहले ही लोगों ने हिंट कर दिया है कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, पी ए इंटू पी बी। अब न्यूनतम एक का होना इक्वल टू पी ए यूनियन बी, आप पढ़ करके आए हैं, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसमें यहाँ पर आपने वैल्यू रख दी, यहाँ पर आपने बी कॉमन ले लिया, बी कॉमन लेने के बाद कितना आ गया ये 1 - PA, सो पी बी इंटू ये क्या बन जाएगा, पी बी डैश। ओके, अब पी ए को आप क्या लिख सकते हैं, पी ए को लिख सकते हैं आप 1 - PA पी बी इंटू पी बी पी ए डैश। पी ए डैश यदि आप पूरे में से कॉमन ले लें, यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ इसको, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, यदि आप इस वाले टर्म में से पी ए डैश कॉमन ले लें तो ध्यान से देखें क्या बनेगा, 1 - आपने पी ए डैश कॉमन लिया है। ओके, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 - PB, और 1 - PB इक्वल्स टू कितना होता है, पी बी डैश। सो इट विल बी पी ए डैश इंटू पी बी डैश। चलिए बताइए, तो 1 - PA इंटू पी बी डैश, तो बिल्कुल सही है जवाब हमारे पास आ चुका है कि 1 - PA इंटू पी बी डैश होगी प्रायिकता कम से कम एक होने की। मतलब यदि स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो ये याद भी कर सकते हैं कि पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू 1 - PA इंटू पी बी डैश। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाँ इतना बता दें, आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक बार और क्लियर करने की ज़रूरत है तो बताएं। यस सर, क्या समझ में आया कि एक बार क्लियर करूं किसके बारे में? यस हाँ जी बच्चों बोल दो जल्दी से, क्लियर है, डन, आगे बढ़े। सर एक बार और समझा दीजिए। ओके, एक बार और क्लियर कर देता हूं इसको। चलिए देखिए, इसमें कह रहा है कि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो आपको सिद्ध करना है कि इनके कम में से कम एक के होने की प्रायिकता 1 - PA इंटू पी बी डैश होगा, ये लेकर के आना है आपको, कम से कम एक के होने की प्रायिकता। चलो तो फ्रेश पेज में इसको मैं करता हूँ अपने तरीके से, तो कम से कम एक के होने की प्रायिकता क्या कहलाती है बच्चों, कम से कम एक के होने की प्रायिकता कहलाती है पी ए यूनियन बी, और आप बचपन से पढ़ करके आए हो कि पी ए यूनियन बी इक्वल टू कितना होता है, ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए अपने मोबाइल की, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये हुआ करता है। अब क्योंकि स्वतंत्र घटना है तो स्वतंत्र घटना के लिए आपने क्या पढ़ रखा है कि स्वतंत्र घटना के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी ए
एन टू पी बी होता है। तो यहाँ पे पुट कर दो बच्चों, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए एन टू पी बी, ठीक है, क्लियर बेटा। अब देखिए यहाँ पे ये है पी ए और मैं यहाँ पर इससे पी बी कॉमन ले लूँ, इन दोनों से यदि मैंने पी बी कॉमन ले लिया यहाँ पर कितना बचेगा वन और यहाँ पर बचेगा पी ए, तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास बन गया पी ए प्लस पी बी इंटू पी ए डैश, यस ये मेरे पास क्या बन गया वन माइनस पी बी इंटू पी ए डैश। अब पी ए डैश क्यों बना, आप लोग जानते होंगे टेंथ क्लास में पढ़ के आए हो, किसी घटना का होना और किसी घटना के ना होने की प्रायिकता का योग कितना होता है वन, तो पी ए डैश किसी का ना होना इक्वल टू वन माइनस उस घटना का होना, तो ये हो गया भैया। ओके सो इस तरीके से हम जो है इसको ऐड कर सकते हैं, कम बैक, यस तो ये हो गया। अब देखिए इसके बाद ये ए डैश तो ठीक है अच्छी बात है, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ पी ए को, इसको मैं लिख सकता हूँ वन माइनस पी ए डैश, बट वन माइनस पी ए डैश ठीक है प्लस पी बी इंटू पी ए डैश। देखिए यहाँ पर पी ए डैश जो है कॉमन आ रहा है और अगर आपने पी ए डैश कॉमन ले लिया तो इधर पे क्या बचेगा वन और पी ए डैश कॉमन आ गया तो यहाँ पर कितना बचेगा पी बी और आप लोग जानते हैं वन माइनस ये हो जाएगा पी ए बार ए डैश इंटू एक माइनस पी बी कितना कहलाएगा भैया पी बी बार और यही तो प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों फटाक से, डन, समझ में अब आ गया कि नहीं आया। यस सर। ओके गुड, सो गाइस वी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, नो वी हैव डन टिल 9, सो नाउ टर्न टू 10। एक पासे को तीन बार उछाला गया है, कम से कम एक बार विषम संख्या के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ओहो कम से कम एक बार, किसी चीज का कम से कम एक बार होना इक्वल टू वन माइनस उस चीज का ना होना, है ना, कम से कम एक बार विषम संख्या होने की प्रायिकता इक्वल टू वन माइनस ना होना। तो अपनी कॉपी में लिख लो, जब भी ये क्वेश्चन आता है तो बहुत बच्चे धोखा खा लेते हैं, है ना, लिखो ऐसा लिखो प्रायिकता कम से कम एक बार, इक्वल टू एक माइनस प्रायिकता कभी नहीं, कम से कम एक बार इक्वल टू वन माइनस प्रायिकता कभी नहीं। तो यहां पर क्या बोला गया है, प्रायिकता कम से कम एक बार विषम, कम से कम एक बार विषम इक्वल टू वन माइनस प्रायिकता कभी नहीं विषम, मतलब अगर आप विषम के सारे केसेस में से माइनस कर दोगे तो आपके पास कम से कम एक बार की विषम की प्रायिकता आ जाएगी। अब सवाल पढ़ते हैं, कंसेप्ट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कम से कम एक बार का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो संभवतः वह इसी मेथड से सॉल्व, कम से कम एक बार, जैसे बोलेगा कम से कम एक बार पास होना इक्वल टू वन माइनस कभी पास ना होना, यानी वन माइनस फेल होना। चलिए सॉल्व करते हैं अब सवाल को, एक पासे को तीन बार उछाला गया है, ओके भैया एक पासे को आप तीन बार उछालते हो ठीक है, तो हर बार जब उछा कम से कम एक बार विषम, तो जब पासे को आप उछालते हो तो पासे के टोटल आउटकम छः हैं, तो छः में विषम आने की प्रायिकता क्या है बेटा, छः में विषम आने की प्रायिकता, छः में तीन विषम होते हैं तो छः में विषम आने की प्रायिकता है 1, 3, 5, तीन विषम, तो विषम ना आने की प्रायिकता कितनी होगी, देखो भैया तो पहले विषम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी, विषम के तीन अंक टोटल छः अंक तो 1/2 ये विषम आने की हो गई, तो सम आने की प्रायिकता कितनी होगी, एक में से 1/2 माइनस कर दिया तो 1/2 अच्छी बात है, तो विषम संख्या आने की प्रायिकता भी 1/2 है और सम संख्या आने की प्रायिकता भी 1/2 है। अब आपसे कहा गया है कि प्रायिकता निकालो कि विषम संख्या
कम से कम एक विषम संख्या आए, एक बार विषम संख्या कम से कम आना. सो आंसर वन माइनस विषम संख्या का ना आना. तो अभी अभी मैंने बताया कम से कम एक बार विषम संख्या इक्वल टू वन माइनस कभी भी विषम संख्या ना आए, तो वन माइनस तीनों बार सम संख्या आएगी. तो पहली बार आपने पासा फेंका, सम संख्या आ गई. प्रायिकता क्या होगी सम संख्या की? एक बटे दो. अगली बार पासा फेंका, फिर सम संख्या एक बटे दो. और अगली बार पासा फेंका, अभी भी प्रायिकता एक बटे दो. आंसर वन माइनस वन अपॉन एट कितना हो गया? सात बटे आठ है प्रायिकता कम से कम एक बार विषम संख्या आने की. चेक करते हैं. यस बोलो, क्लियर है बच्चों? यस सर. ओके, अगला सवाल. यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी ए दिया गया है, पी बी दिया गया है. पी ए और बी, बहुत सरल सवाल, खटाक से कर दो भैया. स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाओं में तो बहुत आराम आराम के सवाल हुआ करते हैं. अगला क्या पूछा गया है? अगला पी ए, पी ए और बी नहीं. ओके, ए होगा और बी नहीं होगा. तो वेरी सिंपल, ए का होना और बी का ना होना, तो क्या फॉर्मूला बनता है? अभी अभी मैंने बताया आपको कि पी ए का होना और बी का ना होना, तो स्वतंत्र में तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाएंगे पी इंटू पी बी बार. तो पी ए भी पता है, पी बी बार भी थोड़ी सी मेहनत करके निकाल लोगे, माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा. ये हो गया पी ए यूनियन बी, दैट इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी. तो ये सिंपल तरीका लगा दिया 11th क्लास का क्वेश्चन. ए और बी में से कोई भी नहीं, मतलब ना ए का होना ना बी का होना, तो पी ए इंटू पी बी बार. बोलो बच्चों, क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर? यस भाई, जवाब देने में क्या दिक्कत है? निहाल, अरविंद, दो ही लोग बचे हुए हैं क्लास में, बहुत शानदार. अब ऐसी स्थिति में क्या क्लास हो पाएगी, बताओ भाई? यस सर. चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन. एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से करने की प्रायिकता एक बटे दो और एक बटे तीन है. यदि दोनों स्वतंत्र रूप से हल करने का प्रयास करते हैं कि प्रायिकता कीजिए कि समस्या हल हो सकती है. देखो भाई, ए सेपरेटली हल करे एक बटे दो, बी सेपरेटली हल करे एक बटे तीन, और तीनों दोनों स्वतंत्र घटनाएं ही लिख दिया, तो समस्या के हल होने की प्रायिकता इक्वल टू एक माइनस समस्या के हल ना होने की प्रायिकता. तो क्या लिख सकते हैं हम इसमें? समस्या का हल होना, मतलब कोई भी बंदा समस्या को हल कर ले, यानी कि ए या बी कोई भी हल कर ले, दैट इज इक्वल टू वन माइनस पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू वन माइनस ना तो ए हल कर पाए और ना तो बी हल कर पाए. समस्या का होना, हल हो जाना इक्वल टू ना तो ए हल कर पाए और ना तो बी हल कर पाए. तो दोनों का गुणा कर देंगे, तो पी ए इतना दिया है, पी बी इतना दिया है. ओके, तो पी ए बार निकाल लिया, पी बी बार निकाल लिया. अब पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, मतलब कोई ना हल कर पाए, इसकी प्रायिकता क्या होगी? एक बटे तीन. तो समस्या के हल होने की प्रायिकता कितनी होगी? एक माइनस पी ए बार इंटू पी बी बार, जैसा मैंने लिखा भी, तो वन माइनस पी ए बार इंटू पी बी बार. तो एक माइनस कभी ना हल होना इक्वल टू समस्या का हल होना, तो ये आपके पास आ जाएगा वन माइनस पी ए बार इंटू पी बी बार. क्लियर है? और ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि ये घटनाएं जो हैं स्वतंत्र घटनाएं हैं. कहिए कुछ पूछना चाहेंगे इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13 देखिए. 52 पत्तों की गड्डी में से यदृच्छा बिना प्रतिस्थापन किए दो पत्ते निकाले गए हैं, दोनों पत्तों के काले रंग के होने की प्रायिकता. अरे भैया बहुत ही सिंपल है, 26/52 है ना, दोनों पत्तों के काले रंग के होने की प्रायिकता. अच्छा, दो पत्ते निकाले गए, एक मिनट. तो पहले एक पत्ता निकालोगे और बिना प्रतिस्थापन किए, पहले एक पत्ता आएगा फिर दूसरा पत्ता आएगा. तो भैया पहले पहला पत्ता निकाल लो. पहले पत्ते के कितने केस होंगे? 26/52. फिर एक पत्ता कम हो जाएगा तो बचेंगे 51, और काले पत्ते कितने बचेंगे? 25. तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 25/51. अब अभीष्ट प्रायिकता क्या होगी? दो पत्ते निकाले गए हैं एक एक करके, तो पहला पत्ता ए इंटरसेक्शन दूसरा पत्ता बी इक्वल टू 1/2 × 25/51. वेरी सिंपल, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना था और कुछ भी नहीं. ये क्लियर है? पीडीएफ मैंने आपको भेज दिया, आराम से देखिए पूरे सोल्यूशन, कोई जल्दीबाजी बात नहीं. यस सर. डन.
52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी के बाद एक के बाद एक तीन पत्ते बिना प्रतिस्थापन करे निकाले गए हैं। पहले दो पत्ते बादशाह और तीसरा इक्का होने की प्रायिकता क्या हो? चलो भाई मैं निकाल देता हूँ इसको। 52 पत्ते हैं, पहले दो पत्ते बादशाह, मतलब पहला पत्ता भी बादशाह है, दूसरा पत्ता भी बादशाह है और तीसरा पत्ता जो आपका क्या है, इक्का है। टोटल बादशाह कितने होते हैं भाई? एक होता है राजा इक्का, मतलब हर सूट के पास में एक एक बादशाह हुआ करता है ना, तो एक एक बादशाह सबका हुआ करता है। ये देखिए तो कैसे खींचा गया है, पहला भी बादशाह, दूसरा भी बादशाह और तीसरा भी बादशाह, और ध्यान रखिएगा प्रतिस्थापन नहीं किया गया है। तो पहला बादशाह कैसे खींचा जाएगा, चार बादशाह में से एक बादशाह निकलेगा और नीचे 52 में से एक, मतलब क्या प्रायिकता बनेगी पहले बादशाह की, 4/52, जिसको बोलते हैं 1/13। अब एक बादशाह जब खींचा जा चुका है तो उसके ऊपर दूसरा बादशाह खींचा जाएगा, तो एक बादशाह जब खींचा जा चुका है तो टोटल पत्ते कितने बचे, 51, और 51 के ऊपर किंग कितने बचे, 3, तो प्रायिकता क्या होगी, 3/51 मतलब 1/17, ये होगी प्रायिकता। अब इसके बाद दो बादशाह अगर खींचे जा चुके हैं तो फिर इक्का निकालना है, तो दो किंग खींचे जा चुके हैं तो कुल पत्ते कितने बचे, 50, और 50 पे इक्के कितने होंगे, 4 होंगे। भाई बादशाह कम हुए ना, इक्का थोड़ी ना कम हुआ है, तो 2/25। इस तरीके से अभीष्ट प्रायिकता तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, पहली किंग की, फिर दूसरे किंग की, फिर इक्के की, तो 1/13, 1/17, 2/25, आंसर आ गया 2/5525। कहो क्लियर है सर? ठीक है, तो ये आपका जो प्रोबेबिलिटी का ये वाला पार्ट है और सब्जेक्टिव वाला पार्ट है वो मैंने आपको करा दिया है। अब बचता है प्रोबेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट, ठीक है ना, तो ये आप जो है कल मेरे को करके पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट करके दिखाइए, तो ये मैं आपको कल कराऊंगा ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।